बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा करने वाले हैं। इसको लेकर तमाम जो है विपक्षी पार्टियां जो है आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ यात्रा करते हैं, बिहार में विकास कुछ नहीं होता। इस यात्रा के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अरविंद निषाद जी हैं, साथ में उनसे बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। सर, एक बार नीतीश कुमार फिर से यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, पिछले 2005 से अभी तक कई यात्रा कर चुके हैं। न्याय यात्रा से जो उनका यात्रा प्रारंभ हुआ है, अभी उन्होंने घोषणा किया है समाज सुधार यात्रा हम करेंगे 22 दिसंबर से। जब यात्रा पर वो जाते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय मंत्री, स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उस संवाद स्थापित करने के क्रम में जो चीज़ें और तथ्य उभर करके आती है उसके आधार पर नीतियाँ बनाते हैं, उसके आधार पर कार्यक्रम बनाते हैं और लोगों को सुविधा और सहायता मिलती है। साथ ही विकास कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की यात्रा पर रहते हैं और बिहार के लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। विपक्ष का लगातार आरोप लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जब यात्रा पर करते हैं तो उस समय जो होता है वो जो जहां यात्रा करते हैं वहां पे चीज़ें दुरुस्त हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद जो है फिर चीज़ें पहले की तरह हो जाती है। ये आरोप भी लगातार विपक्ष लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब विपक्ष के नेता के पास अपना यात्रा का तो कोई अनुभव है ही नहीं। उनको यात्रा का अनुभव हो तब ना दूसरे की यात्रा पर सवाल खड़ा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यात्रा कर करके सभी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं और सही तरीके से जो चीज़ होता है, जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर ऑन स्पॉट फैसला करते हैं, ऑन स्पॉट निर्णय करते हैं और अन्य भी चीज़ उनके जेहन में आता है उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर नीतियां बनती हैं, कार्यक्रम बनता है। लेकिन खासकर राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मैंने यात्रा से कोई सरोकार नहीं होता है और यात्रा करने का उनका कोई अपना इतिहास ही नहीं है, इसलिए वो यात्रा के बारे में क्या जानते हैं। जैसे पहले विपक्ष जो विपक्ष में अभी पार्टियां हैं वो अपने ज़माने में रैलियां किया करती थी और अब नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्या अलग? देखिए, दोनों में अंतर ये है कि जब उनकी रैलियाँ होती थी तो पूरा बिहार सहम जाता था, हर साल लाठी उठावन, तेल पिलावन, गरीब रैला, आक्रोश रैला, भंडाफोर रैला, इस टाइप का नाम से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी रैली बुलाते थे और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग भयाक्रांत होकर के लोगों को चलने के लिए, चंदा के लिए, इत्यादि के लिए लोगों को उकसाते थे, धमकाते थे। हमारे शासन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यात्रा का जो एक श्रृंखला स्थापित किया है, यात्रा की जो अपनी एक लकीर खींची है, वह सही मायनों में सच कहिए तो शासन चलाने का एक बेहतरीन बेंचमार्क है और नीतीश कुमार जी ने यात्रा करके बिहार के लोगों को कैसे स्थिति सुधरे, बिहार के किन क्षेत्रों में कौन से विकास के कार्य रुके हुए हैं इसके बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं और फीडबैक लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्रवाई करते हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यात्रा का उद्देश्य होता है, थीम होता है। इस समाज सुधार यात्रा से कितना असर पड़ेगा बिहार में समाज के? बहुत असर पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बताया गया है कि इस यात्रा में बिहार में चल रहे सभी तरह के कार्यक्रम, जैसे शराबबंदी हो, जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम है, फिर उसके बाद अन्य तरह के जो विकासात्मक कार्यक्रम है उसकी समीक्षा जिले स्तर पर की जाएगी और उसमें जिला के पदाधिकारी, जिले के मंत्री, जिले के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और एक एक करके चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी, उस पर चर्चा होगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अरविंद निषाद जिनका कहना था कि मुख्यमंत्री की जो ये समाज सुधार यात्रा है इसके जरिए जो है नीतीश कुमार बिहार में समाज के में जो सुधार है उसको लेकर जो है ज़मीनी सच्चाई क्या है और लोगों के जो विकास के कार्य हैं सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसको ज़मीनी हकीकत क्या है उसको जानने के भी मुख्यमंत्री जो है खुद यात्रा करते रहे, पहले भी करते रहे और इस बार भी वो यात्रा पर निकल रहे हैं। कैमरा प्रकाश के साथ शक्ति, न्यूज़ 22 को पटना।